Hey everyone, I'm Mukesh. Today in this video, we are going to learn 6 most important words. Continually, continuously, simultaneously, similarly, at once, for a while. Want to know how to use these words in sentences? Please watch this video till end. Here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. Because when I uploaded the vocabulary sessions part 1, you liked a lot. That's why today I have brought you the part 2 of vocabulary. How can we learn these words? So today's first word is for a while. What is the Hindi meaning of for a while? For a while means thodi der ke liye. थोड़ी देर के लिए, जब भी आपको कभी थोड़ी देर के लिए बोलना हो तो आप यूज करेंगे फॉर अ वाइल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मुझे थोड़ी देर के लिए बाइक दे दो. मुझे थोड़ी देर के लिए बाइक दे दो. हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस? गिव मी द बाइक फॉर अ वाइल. गिव मी द बाइक फॉर अ वाइल. इन शॉर्ट, गिव मी द बाइक फॉर अ वाइल. नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी देर के लिए मेरा इंतज़ार करो. थोड़ी देर के लिए मेरा इंतज़ार करो. वेट फॉर मी फॉर अ वाइल. वेट फॉर मी फॉर अ वाइल. नेक्स्ट वर्ड, एट वंस. हाउ कैन वी यूज एट वंस इन सेंटेंसेस? एट वंस, यदि इसकी हिंदी की बात करें तो एट वंस का हिंदी होता है एक साथ. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हम एक साथ आए. हम एक साथ आए. वी कैम एट वंस. वी कैम एट वंस. वी कैम टुगेदर. यू कैन ऑल्सो से टुगेदर का हिंदी भी होता है एक साथ. अब जब एक साथ आए तो टुगेदर या एट वंस का यूज कर सकते हैं. और एट वंस का एक और भी मीनिंग होता है तुरंत. तुरंत बाजार जाओ. गो टू मार्केट एट वंस. तुरंत यहाँ आओ. कम हेयर एट वंस. ठीक है, तुरंत खाना खाओ. ईट फूड एट वंस. इस तरह से हम लोग एट वंस का यूज करते हैं तुरंत के लिए. और इसका हिंदी एक साथ भी होता है. नेक्स्ट वर्ड, सिमिलरली. सिमिलरली, यदि इसकी हिंदी की बात कर लिया जाए तो इसका हिंदी होता है इसी प्रकार, इसी तरह से. दो हिंदी होता है, या तो इसी प्रकार या तो इसी तरह से. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैंने सवाल बनाया, इसी तरह से उसने भी बनाया. मैंने सवाल बनाया, इसी तरह से उसने भी बनाया. हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? लेट मी टेल यू. आई सॉल्व्ड द क्वेश्चन. आई सॉल्व्ड द क्वेश्चन. मैंने सवाल बनाया. सिमिलरली ही ऑल्सो सॉल्व्ड. सिमिलरली ही ऑल्सो सॉल्व्ड. तो सेंटेंस हो गया, आई सॉल्व्ड द क्वेश्चन. सिमिलरली ही ऑल्सो सॉल्व्ड द क्वेश्चन. ठीक है, मैं बाजार गया, उसी तरह से वो भी बाजार गया. आई वेंट टू द मार्केट. सिमिलरली ही ऑल्सो वेंट. आई वेंट टू द मार्केट. सिमिलरली ही ऑल्सो वेंट. नेक्स्ट वर्ड, साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली, इसका प्रोनाउंसिएशन है साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये लॉन्ग वर्ड है. ठीक है ना, बहुत सारे लेटर इसमें, बस इस कन्फ्यूज नहीं करना है. ठीक है, साइमल्टेनियसली, इसका हिंदी होता है एक ही समय पर. जब कोई काम एक ही समय पर दो दो काम करे या दो या तीन काम करे, तब उस सिचुएशन हम लोग यूज करेंगे साइमल्टेनियसली. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में पढ़ा भी रहा हूँ. मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में पढ़ा भी रहा हूँ. इस सेंटेंस में मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ, लेकिन साथ में साथ मैं पढ़ा भी, मतलब दो काम कर रहा हूँ. जब कोई दो काम एक बंदे के द्वारा एक साथ में किया जा रहा हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे साइमल्टेनियसली. तो सेंटेंस को बनाएंगे, आई एम स्टडिंग एंड टीचिंग साइमल्टेनियसली. आई एम स्टडिंग एंड टीचिंग साइमल्टेनियसली. ओके, आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड, कॉन्टीन्यूअसली. कॉन्टीन्यूअसली, इसका हिंदी होता है लगातार. लगातार, बारिश लगातार हो रही है. बारिश लगातार हो रही है, इस सेंटेंस को बोलेंगे इट्स रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली. इट्स रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली, बारिश लगातार हो रही थी. इट वॉज रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली. इट वॉज रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली. नेक्स्ट वर्ड, कॉन्टीन्यूअली. यह है कॉन्टीन्यूअली, वो था कॉन्टीन्यूअसली. ओके, यह है कॉन्टीन्यूअली. कॉन्टीन्यूअली की हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है रुक रुक करके. कॉन्टीन्यूअसली मतलब लगातार, बारिश लगातार हो रही थी. ये कॉन्टीन्यूअली मतलब रुक रुक करके, जैसे बारिश रुक रुक के हो रही है. इट्स रेनिंग कॉन्टीन्यूअली. इट्स रेनिंग कॉन्टीन्यूअली, बारिश रुक रुक कर हो रही थी. इट वॉज रेनिंग कॉन्टीन्यूअली. इट वॉज रेनिंग कॉन्टीन्यूअली. आई होप आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से बताया. यदि आपको इसमें और भी कोई डाउट्स है, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स, बिकॉज ये है वोकैबुलरी का पार्ट 2. ठीक है, मैं जल्द ही पार्ट 3 लेके आऊँगा, यदि आप इसको पहले लाइक करेंगे तो. जाते जाते एक लाइक भी कर दे. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स.